अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे लुक करिश्मा इज हियर। सॉरी गाइस लेट हो गई। तुम्हारा लेट होना भी स्टेटमेंट है बेब्स, इट्स ओके। लुक एट योर न्यू ड्रेस, डिजाइनर है। ऑफ कोर्स यार, करिश्मा उससे नीचे कुछ पहनती है। बाय द वे गाइस, मीट माय फियांसे अभी, द चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा। मानना पड़ेगा तुमने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने इन-लॉज लिए हैं। अभी सिट लो, बैठो, मैं अभी सबका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। फाइनली आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरे बचपन के फ्रेंड से मिल रहे हो, और मैं चाहती हूँ कि ये भी तुम्हारे फ्रेंड बने। सो गाइस, अभी इज ऑल योर्स, जो कुछ भी जानना है ना फ्रीली पूछे। हम सब तुमसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे अभी। वैसे तुम करते क्या हो? तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? आई एम श्योर अब्रॉड से मास्टर डिग्री तो किया होगा। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। What? ओह, तो तुम हमेशा से उदयपुर रहे हो? भाई 5 साल स्टेट्स में रहने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को तो उदयपुर जरा भी सूट नहीं करता। Come on guys, उदयपुर अब छोटा शहर नहीं रहा। मैंने इसी शहर में 6 गेमिंग पार्लर ओपन किए। And I'm sure तुम भी अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते होंगे। Come on यार, why stereotype? क्या पता अभी मेरी तरह आर्टिस्ट हो। मैंने पिछले 3 साल में अपने बैंड के साथ 100 से ज्यादा शोज किए हैं। And सब हाउसफुल, राइट? गाइस, कब तक आप अपनी तारीफ करते रहेंगे? बेचारे अभी को भी तो बोलने का मौका दो। आई एम श्योर अगर वो अपने अचीवमेंट बताएगा तो हम सबकी बोलती बंद हो जाएगी। इसको कहते हैं औकात जो मैंने आज तुमको दिखा दी। तुम्हारी फैमिली उदयपुर की टॉप बिजनेस फैमिली है, तुम हमने बिजनेस में भी कुछ नहीं किया। करिश्मा, मुझे कुछ काम है, मैं निकल रहा हूँ। अभी, this is not done. अभी, मेरे फ्रेंड्स भी तो अपना काम छोड़कर आए। And you know what? इनके पास तो एक्चुअल काम है भी। But I'm curious. अभी ने कभी अपने ऑफिस की शक्ल भी देखी होगी, एड्रेस भी मालूम होगा उसको। यार, इनका सही है, माँ बाप मेहनत करे और बेटा मजे करे। पर सच कहूं, अगर मैं भी इसकी तरह अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहा होता ना, तो आज मुझे घर से निकलने में शर्म आती। फोगट 4 लोगों के साथ बैठना तो। But I have a question. ना ये पढ़ा लिखा है, ना ये कमाता है, अपने पेरेंट्स के पैसों पे जीता है, आगे जाके अपनी बीवी के पैसों पे ऐश करेगा क्या? I mean, करिश्मा is qualified and educated. उससे पैसे कमाना इतना टफ नहीं होगा। But I'm still wondering, ऐसा क्या देख लिया करिश्मा ने तुम में जो सारे बेटर ऑप्शंस को छोड़कर तुम्हें पिक किया? करिश्मा, अगर तुम्हारा एक गेट टुगेदर हो गया हो ना, तो आई एम लीविंग। अभी अभी सुनो तो सही, अगर तुम चले गए तो मेरे फ्रेंड्स को एंटरटेन कौन करेगा? हाँ, तो तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लेकर के आई थी, अपने दोस्तों के एंटरटेनमेंट के लिए। चलो, इसी बहाने तुम कैसे काम तो आए। वैसे मेरे फ्रेंड्स के सवाल कुछ गलत नहीं है, दे आर सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट है, मेरे लिए थोड़ा कंसर्न तो होंगे ही ना कि मेरी शादी किस लड़के से हो रही है। अपने ना फ्रेंड और उनका कंसर्न अपने पास रखो, ठीक है? अभी सो सॉरी, तुम्हें बुरा लगा क्या? बाबू साहब, आज आपको भी हमारे साथ होना चाहिए था। माता माई ने नवरात्रि के पहले दिन ही हमारी झोली भर दी। हर्ष तो सॉरी सॉरी देव सर, वो हमारे को दिखा नहीं। मैं फिर से, तुम एक काम करो, अपनी डिक्शनरी से सॉरी शब्द हटा दो,
इनफैक्ट ऐसा कोई काम ही मत करो कि तुम्हें सॉरी बोलना पड़े। जी देव सर, मैं कोशिश तो करती हूँ पर सॉरी। अरे थैंक यू। हाँ? आज सभी को तुम्हारे हाथ का भोग बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू। और सुबह जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था, आई रियली सॉरी। देव सर, आपको भी अपनी डिक्शनरी से सूरी शब्द निकाल देना चाहिए, आपके मुंह से अच्छा ना लगे। क्या सावित्री मासी, राजीव काका, मैं देख रहा हूँ जब से वसु घर आई है आप लोग बहुत खुश रहने लगे हैं। नहीं, अच्छा अच्छा, ऐसे ही खुश रहिए। चलिए मैं चलता हूँ, गुड नाइट। लाडो, अब तो तेरी सच्ची नजर उतारनी पड़ेगी। छोटे हुकुम खुद चल के आए तेरी तारीफ करने। कल मंदिर जाके माता माई के धोख खाना। वसु, थारी घड़ी सच्ची में थारा अच्छा वक्त लेकर आई है। नहीं बाबूसा, ये अच्छा वक्त घड़ी की वजह से ना है, देव सर की वजह से है, क्योंकि ये घड़ी भी देव सर ने ही खरीदी थी। माता माई हमेशा खुश रखें छोटे हुकुम को। वसु, तुम कहाँ जा रही हो? देव सर, मैं मंदिर जा रही थी, कल मेरा काम पे पहला दिन बहुत अच्छा बीता ना, इसलिए मैं मैया को धन्यवाद करने जा रही थी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ। चलो come on वसु, तुम ना ना करोगी मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा। प्लीज गाड़ी में बैठो, आओ। लेकिन ओके वसु, ठीक हो? बाय। नो, आई अश्योर यू मैं आपको एक एक्सक्लूसिव आइडिया के साथ एक सुपर एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन भेजूंगा जल्दी। देव सर, सब ठीक है ना? हाँ, एक्चुअली एक बहुत बड़े बिजनेस प्रपोजल का प्रेजेंटेशन फंसा हुआ है। की मतलब? मतलब ये कि बिजनेस को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं जिनके मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ। जवाब आपके सामने है और आप सवालों में उलझे हुए हैं। अरे मैं मजाक ना कर रही, चलिए अंदर। फिर कभी, मुझे भी कहीं पहुंचना है। अरे हमारे को पूरा यकीन है देव सर, मैया भी आपसे मिलना चाहे, तभी तो उन्होंने ऐसी लीला रची है कि आप खुद उनके द्वारे पहुंचाए। फाइन, चलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।